नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए के क्लास सिक्स जियोग्राफी के एनसीईआरटी। दोस्तों, अपने इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में हमने अब तक जो क्लास सिक्स के एनसीईआरटी के 5 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके 6 अध्याय की, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप दोस्तों, हमने जो 5वां चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो हमने उसमें परिमंडल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को पढ़ा था। तो उसमें जो हमने स्थल मंडल यानी कि भूमंडल पढ़ा था, आज हम लोग यहाँ पे उसी के रूपों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जमीन के विभिन्न रूप। जो स्थल भाग है हमारी पृथ्वी का, उसको अगर आप ऊपर से देखें तो आपको कहीं पे वो समतल मिलती है, सपाट मिलती है, कहीं पे उठा हुआ होता है तो कहीं पे गड्ढे होते हैं। तो ये सारे ही क्या है, पृथ्वी के रूप है विभिन्न विभिन्न तरीके के। इसी प्रकार से स्थल के बहुत सारे रूप हैं। आज हम लोग यहाँ पे उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये स्थल हैं, ये 2 प्रक्रियाओं के स्वरूप फलस्वरूप निर्मित होते हैं। कौन कौन सी 2 प्रक्रियाएं, अगर हम बात करें तो इसकी एक आंतरिक प्रक्रिया होगी, आंतरिक प्रक्रिया, और एक बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया पृथ्वी के अगर हम बात करें जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, उसमें नीचे जिसकी जो परत है ऊपर, वो एक मैग्मा लावा पे तैर रही है, तो इसके अंदर गति होती रहती है। इसके अंदर गति होती, उसके कारण जो परिवर्तन आता है वो आंतरिक प्रक्रिया है। तो उस गति के कारण, जो इसकी आंतरिक गति के कारण, कुछ भाग हैं ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग हैं नीचे धस जाते हैं। तो ये आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ये स्थल रूप निर्मित होते हैं। हम बात करें बाह्य प्रक्रिया की, बाह्य तो इसमें बाह्य मतलब बाहरी कारक, जिसके लिए जिम्मेदार हो। बाहरी कारक जैसे वर्षा, हवा, नदियों का बहाव, इनके कारण। फिर वर्षा होती है तो जो पृथ्वी पे जल गिरता है तो जो वहाँ की मिट्टी कट जाती है, अपरदन होता है उसका, उसके फलस्वरूप जो स्थल रूप निर्मित हो रहे हैं। नदियां अपने साथ जलोढ़ बहा के ला रही, मिट्टी बहा के ला रही हैं, वो जमा कर रही हैं, तो उसके फलस्वरूप मैदान वाला भाग निर्मित हो रहा है। तो इस तरीके से अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया स्वरूप भी बहुत सारे स्थल रूप निर्मित होते हैं। अपरदन से वो टूटते हैं, घिसते हैं, जो पत्थर हैं, जो जमीन है वो घिसती है, टूटती है और वो जगह खाली होती है। निक्षेपण के फलस्वरूप वहाँ पे दूसरी मिट्टी लाके जम जाती है, तो वहाँ पे फिर से ऊंचा हो जाता है, समतल भाग निर्मित हो जाता है। तो ये अभी हमने देखा कि स्थल रूप बनते क्यों हैं, इनके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अब हम बात करते हैं इनके स्थल रूपों के कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ ऊंचाई और ढाल के आधार पर इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, ये स्थल रूपों का उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर विभाजन है। अब हम बात करेंगे पर्वत की। तो पर्वत क्या है, ये पर्वत पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई, यानी कि जो अपने आप प्राकृतिक रूप से जो ऊंचे स्थल निर्मित हुए हैं, ये वो भाग होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे होते हैं। और जो इनका शिखर है, शिखर सकरा यानी कि शंक्वाकार, और आधार इनका चौड़ा होता है। आधार यानी कि नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है। आपकी एनसीईआरटी में पहाड़ी और पर्वत में अंतर दे रखा है। तो पहाड़ी बताया है कि जो आसपास के ऊंचे उठे भाग हैं वो पहाड़ी कहलाते हैं, अगर उनकी ऊंचाई 600 मीटर, ये ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो जाती है,
अधिक, तो इन्हें पर्वत कहेंगे। तो अगर 600 मीटर से कम ऊंचाई है तो पहाड़ी कहलाएंगे, पर्वत नहीं। और जो पर्वत है ये बहुत ऊंचे होते हैं, ये अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे उठे होते हैं, इनकी सपाट ढाल होती है, इनमें खड़ी ढाल होती है, खड़ी ढाल यानी कि सीधी ढाल होती है। और यहाँ की जलवायु बहुत कठोर होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान गिरने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर होती है। और कुछ पर्वतों पर बर्फ हमेशा ऊपर जमा रहती है, तो वहाँ पे बर्फ की नदियाँ पाई जाती हैं जिनको हिमानी कहते हैं, हिमानी बर्फ की नदियाँ। और अगर यही पर्वत एक क्रम में है यानी कि लगातार ऐसे 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 देखने को मिल रहे हैं, तो एक ये पर्वतों की श्रृंखला कहलाती है, पर्वत श्रृंखला कहलाती है। और जो ये पर्वतों का व्यवस्थित रेखा क्रम यानी कि उनकी समानांतर श्रृंखला ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जैसे हिमालय, एशिया की पर्वत श्रृंखला है। अगर हम बात करें आल्प्स की, आल्प्स पर्वत, वो भी पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप की है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी दक्षिण अमेरिका की, एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। तो ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला। इन पर्वत श्रृंखलाओं में भी कुछ पर्वतों की ऊंचाई कम और ज्यादा हो सकती है, तो इनमें विभिन्नता होती है कि कुछ ऊंचे हो सकते हैं, कुछ कम ऊंचे होते हैं, लेकिन ये समानांतर व्यवस्थित क्रम में होते हैं, इसीलिए इनको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पर्वत के प्रकार। तो पर्वतों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, ध्वंसोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, अब बात करें वलित पर्वत की। वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन। ये वो पर्वत होते हैं जो अपरदन और निक्षेपण की क्रिया द्वारा बने होते हैं। इनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और इनके जो शिखर ये शंकुआकार होते हैं, शंकुआकार यानी कोण के शेप में होते हैं। और अगर हम बात करें भारत की, तो जो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, और ये लंबे समय तक अपरदन की क्रिया के कारण ये पर्वत घिस गए हैं। और इसी में अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जो कि भारत में है। हम बात करें तो इसी का उदाहरण है रूस का यूराल पर्वत, यूराल जो रूस में है, और उत्तर अमेरिका का अपलेशियन, ये भी अपरदन के कारण इनका आकार गोलाकार हो गया, और ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर अमेरिका, रूस, ये थे वलित पर्वत के उदाहरण। अब हम देख लेते हैं ध्वंसोत्थ पर्वत ये क्या होते हैं। ध्वंसोत्थ पर्वत का निर्माण किसी बहुत बड़े भाग के टूटकर, या तो वो ऊपर उठ जाता है या फिर वो नीचे धस गया है, उसके परिणाम स्वरूप ध्वंसोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे ये कोई भाग है, तो इसमें एक भाग
या तो इसके ऊपर आ गया, एक ये नीचे टूट के नीचे विस्थापित हो गया है, तो ऊपर उठा हुआ भाग जो है उसका ये उत्खंड कहलाता है। उत्खंड यानी इसको हार्ट्स कहते हैं, ये वाला जो ऊपर उठा भाग है ये उत्खंड, और इसको जो नीचे वाला भाग है इसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। द्रोणिका भ्रंश, भ्रंश ग्राबेन इंग्लिश में कहते हैं ग्राबेन, और इसको उत्खंड को हास्ट। यूरोप की राइन घाटी, राइन घाटी और वास्जेस पर्वत, वास्जेस पर्वत भ्रंशोस्त पर्वत के उदाहरण है, इसके एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसको लावा के गिरने से जो वो जम गया है उससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, और जापान का, ये अफ्रीका में है, और जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब ये थे हमारे पर्वत। अब हम लोग देखेंगे कि पर्वतों के, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्वत के लाभ के बारे में, कि पर्वतों के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। तो पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं, ये जल के संग्रहकार होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हिमानियाँ इसी से निकलती हैं, बर्फ पानी जो बर्फ के रूप में जमा होती है तो हिमानी से ही बहुत सारी नदियाँ निकली हुई हैं, और पर्वतों में बहुत सारी वनस्पतियाँ औषधियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतुओं के लिए आश्रय, यहाँ जो पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी जो वेदिकाएँ हैं, उनकी जो घाटियाँ हैं उससे निर्मित होती हैं, वो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी होती हैं, और पर्वत जो है वो सैलानियों के भी आकर्षण का केंद्र होते हैं, लोग हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए, पर्वतों से रेजिन गोंद इस तरह के जो महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं, और पर्वतीय कुछ खेल होते हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सारे जो खेल हैं ये पर्वतों के खेल हैं, और पर्वतों की जलवायु चूंकि ठंडी होती है इसीलिए लोग वहाँ पे गर्मियों में जाना पसंद करते हैं। तो ये थी बात पर्वतों की। अब हम कर लेते हैं अगले स्थल रूप की बात, वो है पठार। पठार, पठार क्या होता है? पठार जो ऊपर उठी हुई सपाट भूमि, पर्वत भी उठी हुई भूमि थी लेकिन उसके ऊपरी हिस्सा उसका शंकुआकार था, नुकीला था, इसलिए वो पर्वत थे और उनकी ऊंचाई भी ज्यादा थी। पठार ऊपर से उठे हुए भाग होते हैं, जमीन से उठा हुआ भाग है लेकिन ऊपर सपाट भूमि है, समतल भूमि है, इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज की तरह सपाट होता है, सपाट होता है, और इसके किनारे एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और इसके किनारे जो है खड़ी ढाल वाले होते हैं, खड़ी ढाल होती है, और ये कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं, नए पुराने। तो इसमें जो भारत में स्थित दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार वो सबसे पुराना पठार है, सबसे पुराना पठार दक्कन का पठार, इसी का उदाहरण जो केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के पठार हैं,
दक्षिण अफ्रीकी पठार, ये पुराने पठारों के उदाहरण हैं। और जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है इसकी ऊंचाई मध्य समुद्री तल से इसकी ऊंचाई जो है 4000 से 6000 मीटर तक है, 4000 से 6000 मीटर तक। अगर हम बात करें पठार के लाभ की, पठार से क्या लाभ होता है, तो पठार बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनमें जो खनिज की मात्रा प्रचुरता से पाई जाती है, खनिजों की प्रचुरता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो खनन क्षेत्र है वो पठारी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो अफ्रीका का पठार है वो सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है, अफ्रीका का पठार यहाँ पे सोने और हीरे की खाने मिलती है, तो सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सोना और हीरे की खुदाई की जाती है। और जो भारत के छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर, भारत का छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे लोहा, अयस्क और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे उसका खनन स्थल है। जो भारत का छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। जो ये पठार है ये काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, ऊंचे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जलप्रपात बहुत पाए जाते हैं। तो जो नदियाँ हैं क्योंकि इन भागों में ऊंचे स्थान से गिरती हैं तो फिर जलप्रपात बनाती हैं। छोटा नागपुर में स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू, स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात ये छोटा नागपुर में है। और कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात, कर्नाटक का जोग या गरसोपा जिसको बोलते हैं, जोग जलप्रपात। और हम बात कर रहे थे पठारों के लाभ की, तो जो पठारी प्रदेशों की जो जमीन है वो काली मिट्टी वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, काली मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। और जो पठारी क्षेत्र हैं बहुत ही रमणीय होने के कारण सैलानियों का भी आकर्षण केंद्र होते हैं, पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं अपनी ओर। अब हम बात करते हैं तीसरे स्थल रूप की, जो है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, यानी कि बहुत दूर तक जहाँ पे समतल भूमि दिखाई पड़े तो वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है। जो इनकी ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं होती है, से अधिक नहीं। और ये लंबे समतल मैदान भाग होते हैं, कुछ मैदान उर्मिल भी होते हैं, कुछ तरंगित भी होते हैं, यानी कि थोड़ा तरंगित ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा उठे हुए और ज़्यादा धसे हुए नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है तो, और कुछ एकदम सपाट भी होते हैं। अगर बात करें मैदानों के निर्माण की, तो जो नदियाँ पर्वतों से बहते हुए आती हैं तो वहाँ से बालू, सिल्ट ये जो बहा के लाती हैं उनको जब वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं तो वहाँ पे मैदान का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो अपरदन से मिट्टी आ रही है वो जब निक्षेपित हो रही है तो वहाँ पे मैदान बन रहे हैं। जो ये मैदान है बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं, तो ये बहुत उपजाऊ होते हैं। अब उपजाऊ है, कृषि की प्रचुर मात्रा में हो सकती है, यानी कि अनाज अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है क्योंकि जो यहाँ की समतल भूमि है ये लोगों को खेती करने में, आवास बनाने में, घर बनाने में आसानी रहती है यहाँ पे समतल भूमि में। और ये परिवहन के लिए भी आदर्श होते हैं, यहाँ पे परिवहन के साधन भी अच्छे से विकसित किए जा सकते हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए
विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं मैदानी भागों में ही रहती है। इसमें अगर बात करें भारत की, तो जो भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और जो चीन में यांगसे नदी का मैदान है, वो इसके उदाहरण, मैदान के अच्छे उदाहरण हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्थल रूपों की और लोगों की, यानी कि मनुष्यों की, स्थल रूप और लोग। तो हमने देखा कि जो ये तीनों स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तो इन सारे ही क्षेत्रों में मनुष्य रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानों में है, क्योंकि वो वहाँ की जलवायु, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ की समतल भूमि उनको, उनके जीवन यापन में सहायक है, उनके जीवन के अनुकूल है। पर्वतों की जो जलवायु है वो कठोर है, इसीलिए वहाँ जनसंख्या कम है, और मैदानों में पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में जीवन आसान है, घर बनाना आसान है, रहना आसान है, यातायात के सारे साधन उपलब्ध हैं। और कभी कभी हमने देखा है कि जो प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें सूखा, बाढ़, ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उससे जनजीवन प्रभावित होता है। ये जो आपदाएं हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सारी, इनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उनके बारे में बचने के उपाय मालूम होने चाहिए, उनसे कैसे उसका सामना करना है, कैसे स्थिति से निपटना है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक होती हैं, अचानक से आती हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना। बहुत सारी जो प्रकृति को, प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण में जो डिसबैलेंस आ रहा है, वो बहुत जो मनुष्यों की क्रियाएं हैं उनके कारण आ रहा है। तो इसीलिए जो कूड़ा करकट है उसको पानी में या कहीं भी जमीन में ना फेंकें, पानी में फेंकेंगे जल प्रदूषण होगा, वेस्टेज सारा पानी में जाएगा तो जल को प्रदूषित करेगा, और जमीन में डालेंगे जो प्लास्टिक है उससे हमारी मृदा प्रदूषित होगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, और रोग जो पृथ्वी का जो स्थल भाग है हमारा उसका गलत प्रयोग भी होता है, उसको भी रोकना चाहिए। जैसे कि जो कृषि योग्य भूमि है जहाँ पे अनाज उपजाया जा सकता है उस पे लोग आवास बना लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ज़मीन हमारे पास है उसको हम आज ही प्रयोग कर लेंगे और ख़त्म करके चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हमारी आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी तो चाहिए सारे संसाधन, उसको भी तो हमारी भूमि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, तो उसके लिए भी हम इसको उपजाऊ और सही स्वच्छ छोड़ें, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो ये था हमारा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।